नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस आप देख रहे हैं, पूछता है झारखंड में आपका स्वागत है। जयराम महतो ने झारखंड में नई पार्टी का ऐलान कर दिया और पार्टी का नाम रखा गया है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर रहे हैं जयराम महतो। और लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2025 में झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये जो पार्टी है वो हाथ आजमाएगी। छात्र नेता से राजनेता बने जयराम महतो ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ साथ जेएमएम और कांग्रेस ने इसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी करार दिया है। तो इसी मुद्दे पर होगी बात, हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। सबसे पहले हम लोग अपनी तैयारी की समीक्षा करेंगे। आज लगभग नहीं करने से 1000 के आसपास जनसभाएं हुई, 19 जिला 5 प्रमंडलों में हुई। तो हम लोग एक बार समीक्षा करेंगे कि हमारा जो सभा जो भीड़ बन के आए थे वो वोट में तब्दील करने के योग्य कहां कहां है, वहां हम लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ 2024 के चुनावी समर में उतरने का कार्य करेंगे। देखिए, जनता तय करेगी। मैंने पहले क्या है, हम लोग थोपा वाला लीडर नहीं बनेंगे। जनता जहाँ से बुलाएगी हम लोग वहाँ से आएंगे। देखिए, इनडायरेक्ट रूप से हमने सभी लोकसभा सभी विधानसभाओं को संदेश दे दिया है और लगभग हम लोग हर जगह उदाहरण देते हैं। चाहे 60-40 की नीति हो तो केवल एक लोकसभा के लिए नहीं है। 1932 का खतियान की बात हो तो एक लोकसभा के लिए नहीं है, क्योंकि जहां सभाएं होती हैं मैक्सिमम वहां के जो लोकल लोग हैं, आपको कम से कम जो लोग आए हैं उन्हें आपको वोट में तब्दील करना होगा। बाकी फिर जहां जहां हमारी अधिवेशन सभाएं होंगी वहां उस समस्या के अनुसार बातें रखी। वहीं झामुमो के इशारों पर बीजेपी का कहना है कि सीएम के वादा खिलाफी के खिलाफ जयराम महतो जैसे युवा राजनीतिक दल बनाकर झामुमो को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि कभी जयराम महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े समर्थक हुआ करते थे। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा है कि इस देश का संविधान किसी को भी राजनीतिक दल बनाने का अधिकार देता है, तभी तो उन्होंने राजनीति में आने का ऐलान किया। आगे देखिए क्या होता है। आंदोलन का आगाज धनबाद बोकारो से हुआ था, तो धनबाद बोकारो में हम लोग बैरमो को चयन कर रहे थे क्योंकि बैरमो हमारा बीच का जगह पड़ता है, या नावाड़ी को चयन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चर्चा हुई कि नहीं, विनोद बाबू उन्होंने 1972-73 में बदलाव के लिए किलकारी गुंजाने के लिए एक स्थापना किया था। आज 50 साल हो गए, तो हमने विनोद बाबू की विचारधारा, कॉमरेड एके राय की विचारधारा इस माटी में जुड़ी है। यहाँ के कण कण में, यहाँ के रग रग में, यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ की हवाओं फिजाओं में उनकी विचारधारा है। दोनों की जो विचारधारा है वो समाजवाद साम्यवाद की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, कैपिटलिज्म के विरोध विपरीत जाकर एक विचारधारा को स्थापित करती है। दरअसल धनबाद के तोप चांची इलाके के निवासी जयराम महतो राज्यभर में युवा टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। जयराम महतो की अगुवाई वाली नई पार्टी ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल ये कि जयराम महतो की ये नई पार्टी आखिर कितना कमाल दिखा पाती है और किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाती है और किसे फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो युवा टाइगर जयराम महतो फुल फ्लैश झारखंड की सियासत में कूद पड़े और सीधा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है जयराम महतो ने। इसके साथ साथ जयराम महतो के पार्टी में आने के बाद तमाम जो झारखंड के राजनीतिक दल हैं उनके माथे की सिलबटें बढ़ गई हैं। क्या आखिरकार जयराम महतो क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, जयराम महतो को कितना जनाधार मिलेगा। छत्तीसगढ़ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको जयराम महतो प्रमुखता से उठाते आए हैं।
युवा नेता से छात्र नेता से राजनेता बन चुके हैं जयराम महतो। चलिए चर्चा पे आते हैं, हमारे साथ झारखंड बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज खान है, नेता है कांग्रेस पार्टी का, आपका बहुत स्वागत है। और विनय कुमार है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपका बहुत स्वागत है विनय जी। लेकिन शुरुआत फिरोज खान आप ही के साथ, क्योंकि जयराम महतो ने ताल ठोक दी है राजनीति की और आप खुद की पार्टी का ऐलान कर दिया, कैसे देखते हैं? फिरोज खान जी, जी महतो जी क्या चीज का ताल ठोका है? आपके पास स्पष्ट यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट बोलिए। मैं बोल रहा महतो जी ने किस चीज का ताल ठोका है, क्या करेंगे ताल ठोक के? वो तो वही बताएंगे ना सर, क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे बोल रहे हैं। बड़े बड़े ऊट बह गए पानी में, गधा बोले कितना पानी। महतो जी से पहले बहुत सारी पार्टियां बनी है झारखंड में, हाँ झारखंड में तीन ही पार्टी है सिर्फ, हाँ बीजेपी कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्रीय पार्टी, हाँ दो राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, हाँ उसके अलावा कोई पार्टी नहीं चलने वाली है। ओके, बाबूलाल मांझी जी ने भी पार्टी बनाई थी याद है आपको, 2006 में मैं भी उस पार्टी में जुड़ा था। जुड़ने के बाद मैं जिला अध्यक्ष रहा, चुनाव लड़ा, लेकिन क्या करें झारखंड की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद बाबूलाल मांझी जी अपने घर चले गए, हम लोग अपने घर कांग्रेस में चले आए। तो बात आपने बताई कि आप जुड़े थे और आप चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए फिरोज खान। हाँ तीसरा पोजीशन था हमारा, झारखंड विकास मोर्चा का प्रत्याशी था मैं पश्चिम विधानसभा, एक नंबर बीजेपी, दो नंबर कांग्रेस, तीन। हो सकता है आपकी कुछ कमी रह गई होगी, आपकी लोकप्रियता इतनी नहीं होगी इसलिए आप हार गए। कमी नहीं रह गई, जनता ने, मैंने तो बहुत क्षेत्र बहुत करा काम किया, हाँ बिजली पानी रोड नाली शिक्षा चिकित्सा हर चीज का काम किया, लेकिन जनता ने कहा कि जो आप तो जानते हैं जनता क्या चाहती है। हम सारी काम कर रहे हैं, आज मुसलमान मैं नेता हूँ, मुस्लिम नेता हूँ, आज क्षेत्र में जितना भी काम कर लो, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हमारे ही लोग कहेंगे कि जो बीजेपी को हराना उसको वोट देंगे, सेकुलर आदमी को वोट देंगे, सब महत्व की जितना भी कर ले वो टाई टाई फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जेएमएम यही पार्टी है जो रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। सुदेश महतो जी कहाँ है, एक समय में उनका 9 सीट हुआ करता था किंग मेकर के भारतीय जनता पार्टी के, आज कहाँ है वो खुद दो बार चुनाव हार गए थे। या आप राजनीतिक तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं झारखंड के, या फिर आप कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं? नहीं भविष्यवाणी नहीं है, सच्चाई है। हाँ चश्मा उतार के देखना चाहिए। महतो जी को कहीं का माल मिल गया होगा, बीजेपी वाले लोग दे होंगे माल वाल, तो तुम थोड़ा ट्राई करो। 81 विधानसभा है झारखंड में, कांग्रेस और जेएमएम को कोई चिंता तो नहीं, कोई तनाव तो नहीं है जयराम महतो के आने से? कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग क्या फर्क पड़ेगा, उनको वोटे नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि बी टीम है ये बीजेपी की, सुदेश महतो जी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया हुआ तब जाकर उनकी इज्जत बची हुई है। आपके नेता कह रहे हैं फिरोज खान की बीजेपी की बी टीम है, कौन सा ये? हाँ जरा मैं, अरे बी सी कुछ नहीं है, अरे बी सी कुछ नहीं है, इनको पैसा दे करके आगे कर दिया गया है, लेकिन नुकसान बीजेपी को ही होगा। कभी कभी होता है ना, जिस जाल पर बैठे हैं वो जाल को काट रहे हैं। जो भाजपा वालों के साथ तो सुदेश महतो जी जुड़े हुए हैं, एक महतो और जुड़ जाएंगे तो किसका वोट कटेगा बताइए। ठीक है, प्रतुल यादव कैसे देखते हैं जयराम महतो अब राजनीति में आगे सक्रिय तौर से, और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दिया है, लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी? शिवम जी मैं अपनी बात का जवाब देने, आपकी बात का जवाब देने से पहले सिर्फ एक चीज सुनना चाहता हूँ। फिरोज खान मैं आपके पास आऊंगा, म्यूट हो जाए प्लीज, रुक जाइए थोड़ा। हाँ लेकिन मैं किसी के समय पे कभी नहीं बोलता हूँ, तो मेरा भी आग्रह है बाकी पैनलिस्टों से कि जब मैं बोलू तो वो आग्रह नहीं मानते सर। ये देखिए शिवम जी मैं कह रहा था कि जो ऑडियो मुझे सुनने को मिला जब कांग्रेस के नेता वो बोल रहे थे, तो शायद कोई मुस्लिम नेता जैसे शब्द का प्रयोग किया था क्या? अब मैं श्योर नहीं हूं, मुझे लगा कि किसी ने मुस्लिम नेता कि मैं मुस्लिम नेता हूं ऐसा उन्होंने कुछ कहा था क्या? जो फिरोज खान ही बता पाएंगे, फिरोज खान कुछ ऐसा शब्द आपने इस्तेमाल किया था? मैं मुस्लिम नेता हूं क्या शब्द मुझे याद नहीं किया बताइए, हमने तो कुछ कहा नहीं था। मैंने आप लोगों की परंपरा है
मैं जवाब दे दूं, आप तो बोलते हैं, हम लोग शुभम जी मैं जवाब दे दूं, अब सुन लीजिए प्रतुल जी को। मैं ठीक एकदम बोलिए। देखिए सबसे पहले मुझे लगता है ना कि पावर में, सत्ता के शीर्ष में जो लोग बैठे होते हैं ना, उनपे एब्सोल्यूट पावर, करप्ट एब्सोल्यूटली वाली बात लागू नहीं होनी चाहिए। हाँ। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र, कोई भी युवा आज अगर खड़ा हो रहा है तो वो कीड़े मकोड़े के समान है और उसका कुछ नहीं है। कांग्रेस के एक नेता का मैं बयान देख रहा था कि मदारी भी जब डमरू हो जाता है तो भीड़ हो जाती है। देखिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, संविधान बाबा साहब के बनाए गए संविधान में सभी लोगों को, जिनकी उम्र एक निश्चित उम्र हो गई है, उनको राजनीति में आने, सुन लीजिए फिरोज खान प्लीज, सुनने की क्षमता रखिए। आप बोल रहे थे तो प्रतुल यादव ने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, आप बोल रहे थे क्या आप इंटरप्ट कर रहे हैं सर, प्लीज एक बार सुन लीजिए, आपसे अनुरोध है सर मेरा। डिबेट्स का हमारा यही रूल है कि कोई जब बोलेगा तो उसकी बारी में दूसरा नहीं बोलेगा, इस रूल को फॉलो करना होगा। जोड़ना है इनको ट्रैक रिकॉर्ड पता नहीं है, अगर मैं इंटरफेयर करने लगूं ना तो इनका एक शब्द नहीं सुनाई देगा, लेकिन मैं मर्यादा में रहकर डिबेट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ ना कि बाबा साहेब का संविधान किसी भी व्यक्ति को ये इजाजत देता है कि वो राजनीति में आ सके, अगर उसकी एक निश्चित उम्र है और वो अगर राजनीतिक दल का निबंधन कराना चाहता, अपनी पार्टी बनाना चाहता, अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहता, तो ये तो संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने और जेएमएम के नेताओं ने जिस तरीके से किसी का उपहास उड़ाया, ये निर्णय है भाई। अब वो तो समय तय करेगा कि जयराम महतो किसके लिए होंगे, लेकिन जयराम महतो जैसे युवाओं को क्यों राजनीति में आना पड़ा, इसके पीछे तर्क को दिखना चाहिए। जयराम महतो ने ऑन रिकॉर्ड अनेकों बार कहा है भाषणों में, सोशल मीडिया में, कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चुनाव में निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में बिना किसी पैसे के काम किया करते थे, क्योंकि उनको एक उम्मीद की किरण दिखती थी। लेकिन 1932 के खतियान की बात हो, स्थानीयता का बात हो, स्थानीय नियोजन नीति का बात हो, या 100% यहाँ के मूलवासी आदिवासी को थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियां देने की बात हो, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले 4.25 वर्षों में युवाओं के सपनों को कुठाराघात किया है। जयराम महतो तो हमें याद है कि हाल तक बताते थे कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और उन पर पुलिस ने 1 दर्जन केसेस ला दिए। आखिर क्यों जयराम महतो एक अकेला व्यक्ति नहीं है, आज पूरे प्रदेश में छात्र आंदोलित हैं, 4 बार छात्रों के द्वारा बंद बुलाया जा चुका है, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। यही छात्र जब नियोजन नीति की मांग को लेकर निकले थे और कल जैक बोर्ड में वो जब पहुंचे थे तो वहां भी कल की घटना है। हाँ। जैक बोर्ड में पुलिस ने उनको बर्बरता से पीटा, तो आखिर ये क्या हो रहा है। जयराम महतो एक प्रतीक है उन छात्रों के आक्रोश का जिन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ये सपना देखा था कि यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के मूल वासियों को, यहाँ के आदिवासियों को सरकारी नौकरी में, राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिलेगा। जैसे मुख्यमंत्री के करीब के जितने लोग हैं ना, मैं नाम के साथ गिना दूं, कोई एक आदिवासी मूलवासी खटियानी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी की सरकार ने तो विधानसभा में, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, विनय जी भी यहाँ पे है वरिष्ठ पत्रकार, January 2023 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जवाब दिया था कि पिछले 3 वर्षों में हमने 357 नौकरियां दी हैं। तो ये इनका आदिवासी मूलवासी के प्रति प्रेम है। और कल चार सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं और इसका क्रेडिट ले रहे हैं, पर आपके चैनल ने पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की आवाज को वर्षों तक बुलंद किया था। ये वही सरकार है जिसने पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के विज्ञापन को रद्द कर दिया था, जो नियुक्ति हमारे समय शुरू हुई थी, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से केस जीत कर आए, तब राज्य सरकार को जबरन इनके आदेश को वापस लेना पड़ा कि नहीं, हम इनकी नियुक्ति रद्द नहीं कर रहे, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर हम इनकी नियुक्ति कर रहे हैं। तो जयराम महतो जैसे लोग अगर राजनीति में आ रहे हैं पढ़ाई छोड़कर, मुख्यमंत्री के साथ जिन्होंने सपने देखे थे कि सच में आदिवासी मूलवासियों का झारखंड होगा, तो मुझे लगता है हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार जिम्मेवार है कि कोई छात्र जो पढ़ाई कर रहा है ना, वो कभी नहीं चाहता कि वो उसके जीवन में उसको सड़क पर उतरना पड़े। और आप देखें इस भीषण भीषण गर्मी में 4-5 दिन पहले तक छात्र सड़कों पर थे, मुख्यमंत्री जी एयर कंडीशन कमरों में थे, जो कांग्रेस और आरजेडी के मंत्री हैं वो अपने लंबे लाओ लश्कर के साथ घूम रहे थे, और जिन छात्रों ने इन्हें सत्ता में बैठाने का काम किया, आज वही छात्र इनके द्वारा पीटे जा रहे थे। और मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, हमारे कोई भी पैनलिस्ट किसी एक व्यक्ति का नाम बता दे जिसे आज की तिथि में सरकारी नौकरी हेमंत सोरेन के सरकार के 4.25 साल के कार्यकाल में होगी, तो मैं मान लूंगा कि नौकरियां होंगी।
सिर्फ एक नौकरी उस व्यक्ति का नाम पता के साथ बता दे और उस व्यक्ति को फोन करके सुना दे कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी हेमंत सोरेन ने दी है। देखिए ये आदिवासी मूलवासियों के सपनों को छलने वाली सरकार है और इसीलिए अब छात्रों का आक्रोश दिख रहा है। कोई छात्र नहीं चाहेगा था कि वो अपने अच्छे करियर राजनीतिक जीवन को दांव मतलब करियर को दांव पे लगा के राजनीति में आए। ये इस सरकार के प्रति इन छात्रों का आक्रोश है। मैंने कहा ना जयराम महतो एक प्रतीक है लेकिन लाखों छात्रों का आक्रोश इस सरकार के खिलाफ है। आखिर छात्र पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर है, डंडे खा रहे हैं, पुलिस से वाटर कैनन खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, फर्जी मुकदमे जेल में क्यों जेल में? क्योंकि इस सरकार ने उनके सपनों को तोड़ा है। इसलिए जयराम महतो जैसे लोग इस सरकार के खिलाफ हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि अब जयराम महतो के सक्रिय राजनीति में आने के बाद तुतुल जी नुकसान होने जा रहा है सरकार को बहुत बड़ा आने वाले चुनावों में, जेएमएम और कांग्रेस दोनों को? देखिए उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं कभी भारतीय मुक्ति मोर्चा के लिए बिना किसी पैसे के बिना फिर उसका नाम क्यों बीच में सर इंटरप्ट करते हैं? आपकी आदत बहुत खराब है। प्लीज सर, आपसे तीन बार कह चुके हैं, बार बार थोड़ा ना कहेंगे, बोले दीजिए ना जब दूसरे कैश बोल रहे हैं। तो शुभम जी जयराम इनको म्यूट करिए, इनको डाउन कीजिए, फिरोज खान को डाउन कीजिए। प्रतुल जी हाँ देखिए शुभम जी देखिए फिर ये बोल रहे हैं शुभम जी जयराम महतो ने ऑन रिकॉर्ड दर्जनों बार कहा है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए निस्वार्थ रूप से अभी तक चुनावों में काम करते आए हैं। इससे पहले 2019 के चुनाव में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काम किया। वो शायद पार्टी के सदस्य नहीं थे लेकिन उनकी विचारधारा जो जीवन की थी उस पर उनको विश्वास था कि जब ये पूर्ण बहुमत के साथ इनका गठबंधन सरकार में आएगा तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी छात्रों की ये मांग को सुनेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की आत्मा ने क्या बता है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को ना सिर्फ नौकरियों पर बल्कि राजनीतिक सत्ता पर भी हक देना चाहिए। लेकिन ये बात मुख्यमंत्री की सत्ता में आने के साथ भूल गए। जिन किसानों ने, जिन मजदूरों ने, जिन छात्रों ने इनको सत्ता में बैठाने का काम किया उनको ही लाठियां मिली। तो जयराम महतो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा से प्रभावित हुआ करते थे किसी समय। ये तो सरकार के प्रति आक्रोश है साहब। पौने चार वर्ष से हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पौने चार वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है। तो ये इस सरकार के खिलाफ छात्रों का आक्रोश है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक छात्र जो है अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीतियों से विदग्ध अलग राजनीतिक विकल्प तलाश रहे। ठीक है विनय कुमार सर, अब जयराम महतो सक्रिय राजनीति में आ गए और कह रहे हैं साफ तौर से खुले मन से कि छोटा बच्चा समझ के मुझसे ना टकराना रे, यानी कि सीधे सीधे चेतावनी है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में जो तमाम बड़े राजनीतिक दल हैं उनके लिए कि अब जयराम महतो सक्रिय राजनीति में आ गया है और नई पार्टी का ऐलान हो गया है, अब देखिएगा झारखंड में किस तरह से बदलाव होता है पॉलिटिकली। अगर झारखंड के इतिहास को आप शुरू से देखेंगे हाँ तो आप पाएंगे कि ये इतिहास इस तरह का है कि इसमें शुरू से 1925 का खतियान, नियोजन नीति और नौकरी लोकल लोगों की नौकरी हो इसकी मांग शुरू से उठते रही है हाँ। तो इन चीजों को पिछली बार रघुवर दास की सरकार ने उनको चाहा था कि इसका सोल्यूशन हम करें और सोल्यूशन उन्होंने निकालने का काम किया था। लेकिन हो क्या रहा है इसमें कि उन्होंने तो कोशिश किया लेकिन फिर जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जब बनी तो इस सरकार ने इस नियोजन नीति जो रघुवर दास ने बनाया इसमें परिवर्तन करने का काम किया और 32 के खतियान पर भी एक विधानसभा में विधेयक लाने का काम किया। तब हो क्या रहा है कि ये बहुत ही पेचीदा मामला है। आप इसको ऐसे समझिए कि जब हेमंत सोरेन पिछली बार विधानसभा में कहा कि 32 के खतियान पर कोई नियम नहीं बन सकता है लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से उन्होंने 32 के खतियान पर एक नियम बनाने का काम किया, इसे कोर्ट ने अमान्य कर दिया, अब फिर उसमें संशोधन करने की बात हो रही है। और ये जो लोग नौजवान है ये चाहते हैं कि हमारी नौकरी हो, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में। और आप समझ सकते हैं शुरुआती काल से अगर आप कहिए जब से झारखंड का निर्माण हुआ 2000 से तो जेपीएससी की 6 साल परीक्षाएं हुई है और जबकि हर साल परीक्षा होने का नियम है। आप अगर बिहार में देखिए तो हर साल बीपीएससी की परीक्षा होती है,
बीपीएससी की जगह पर झारखंड में जेपीएससी है, कि जेपीएससी के द्वारा अधिकारी बनते हैं और झारखंड के नौजवान चाहते अधिकारी बने, लेकिन अभी तक जो व्यवस्था रहा है उसमें कहीं ना कहीं लूप हॉल्स रहा, जिसके कारण हर साल परीक्षा नहीं हो पाती है, नौजवानों को अवसर नहीं मिलता है, बेरोजगारी के कारण उनका जीवन दुभर हो गया है। इवन कई अगर नौजवान से आप बातचीत करेंगे तो कहेंगे कि हमारी शादी विवाह नहीं हो पा रही है क्योंकि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, बिना हम जब रोजगार नहीं करेंगे, कोई नौकरी नहीं पाएंगे तो हमारा शादी विवाह कैसे होगा। तो युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है और इसी आक्रोश का परिणाम है कि जयराम महतो ने एक पार्टी बनाने का काम किया है और उन्होंने धनबाद में चिलचिलाती धूप में जितने लोगों को जमा करने का काम किया उससे तमाम राजनीतिक दलों में एक हलचल पैदा हुआ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर आप इतिहास देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन जैसे लोगों ने बनाने का काम किया था। महतो और आदिवासी का कॉम्बिनेशन था झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण। फिरोज खान, ये जो नाम है इस पार्टी का झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी, इस पार्टी के नाम में ही फिरोज खान खतियान है, खतियान संघर्ष समिति, तो यानी कि सीधा सीधा जो टारगेट पर है जयराम महतो के वो है कांग्रेस और जेएमएम, क्योंकि लगातार आप ही से 1932 के खतियान को लागू करने की मांग चली आ रही है लेकिन वो नहीं हो पा रहा, नियोजन नीति की मांग हो रही है वो नहीं हो पा रहा, तो जाहिर तौर पर नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाएगी कांग्रेस और जेएमएम को ये नई पार्टी। शिवम जी, मैं इसी चीज कहना चाहता हूँ, झारखंड में बहुत 23 साल हो गया झारखंड राज्य को अलग होकर, ठीक है, 23 साल में कम से कम 15 पार्टी नई बनी होगी अब तक का, ठीक है, वो पार्टी कहाँ गई किधर गई किसी को पता नहीं, ठीक है, महतो जी ने नई पार्टी बनाई। इनका जो मूल मुद्दा है वो खतियान है सर, वो खतियान आप लागू नहीं कर पा रहे, वो इनका मूल मुद्दा है, अब आप बताइए। 1932 खतियान तो हेमंत सोरेन ने लागू कर दिया, बीजेपी वाले सेंटर में जाकर रुके हुए हैं, कौन बताइए, पार्लियामेंट विधानसभा में पास कर सब कुछ पास है, राष्ट्रपति महोदय का पास है, अब वहां से पास कर लो भाई तब ना यहाँ पर लागू होगा, हम लोग तो हर चीज पास कर दी है, ये बीजेपी वाले लोग जाकर रोक देते हैं ताकि सरकार को हम लोग घेरने में काम आए, विपक्ष में तो विपक्ष घेरने में काम आए। महतो जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि नई पार्टी बनाया उन्होंने, लेकिन हमारे बीजेपी का प्रवक्ता हमारे भाई सहदेव जी ने कहा कि महतो जी का पूरा अभी से लेकर पिछला अगला हिसाब किताब पूरा बता दिया, इसका मतलब ऑडियो खोली तरह प्रतुल यादव जी का ऑडियो खोलिए। हाँ प्रतुल जी, इसका मतलब कि प्रतुल जी आपने जो आरोप लगाया उसका प्रतुल यादव जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए प्रतुल यादव। देखिए 1932 के खतियान को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व वाली पहली सरकार ने लागू किया था उच्च न्यायालय में, इनके कुछ जो तथाकथित लोग थे वो देखिए मुझसे नहीं बुलवाए थे, मुझे नहीं आता था ऐसे बोलने, प्लीज सुन लीजिए फिरोज खान सुन लीजिए। अभी ठीक है बोलिए बोलिए। 30 सेकंड। 1932 के खतियान को सबसे पहले हमारी सरकार ने 2002 में लागू किया था। हाँ। उस समय कुछ लोग चले गए थे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में, और आप जानते हैं हाईकोर्ट में कौन वकील थे इन जो लोग चले गए थे उनके, जो वर्तमान में सरकार के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन है, हेमंत सरकार के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने उस समय खतियान को खारिज करवाने का 2002 में काम किया था। तो ये कैसी खतियान विरोधी सरकार है कि जिस वकील ने खतियान को खारिज करवाया हाईकोर्ट में आज उसको एडवोकेट जनरल बना दिया। स्थानीयता की बात करते हैं, क्या राजीव रंजन यहाँ के स्थानीय है? देखिए ये सिर्फ हाथी के दांत खाने को कुछ और खिलाने को कुछ और, जिसे ये संकल्प से जारी कर सकते थे जो 1932 के खतियान को, उसको उन्होंने विधानसभा और स्वलंबन रास्ता तय किया। हाँ। और जो नियोजन नीति थी उसको उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, उच्च न्यायालय में क्या हम रखे गए थे, ठीक है, इनके पास एडवोकेट। बहुत शुक्रिया आपका प्रतुल यादव जी, हमारे साथ फिरोज खान साहब थे, आपका भी शुक्रिया फिरोज खान, विनय कुमार वरिष्ठ पत्रकार आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पूछताछ झारखंड में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।